अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल शफीक खान रायपुर छत्तीसगढ़ से आप तमाम दोस्तों के इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह आप लोगों को तंदुरुस्त व सेहतमंद और खैर वाफियत के साथ रखे। इसी दुआ के साथ दोस्तों मैं जो आप लोगों की खिदमत में नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ वो पखाने में खून आने पर है, यानी जो पखाने में खून आता है बवासीर की वजह से नहीं, जो जिगर की वजह से खून अगर आपके पखाने में आ रहा है जिगर की गर्मी से या जिगर के दिगर मसला है, यानी लीवर के मसले पर अगर कोई मसला है, तो आपके अगर पखाना के साथ या पखाना के बाद अगर खून आ रहा है तो इंशाल्लाह इस नुस्खे से, ये छोटा सा नुस्खा है लेकिन आपका वो मसला जो आपके पखाने के साथ खून आ रहा है या पहले या बाद में, आपने तमाम इलाज कराया लेकिन आपका मसला हल नहीं हुआ, इंशाल्लाह इस नुस्खे से वो मसला आपका हल हो जाएगा। मैं नुस्खे की तरफ आऊँ, बस आपने वीडियो को पूरा देखना, समझना है और शेयर लाजमी करना है ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरे भी फायदा उठा सके। हाँ, तो जिनको पखाने में खून आने का मसला है वो गर्म अद्वियात, गर्म चीजें या गर्म गर्म खाना खाने से या समोसे भजिया खाने से बचें, तो इंशाल्लाह वो आपका मसला हल हो जाएगा। सिर्फ बवासीर का यानी पाइल्स की वजह से ये खून ना आता हो, जिगर की गर्मी या जिगर के दिगर मसले की वजह से, यानी लीवर के दिगर मसले की वजह से ये खून आता है, तो इंशाल्लाह आपका ये नुस्खा वो मसला 2-4 दिन में हल कर देगा। तो नुस्खा है क्या चीज, चलिए मैं नुस्खे की तरफ आता हूँ। आपने लेना है एक अंजीर, अंजीर आपने अच्छी क्वालिटी का लें, मरा हुआ या खट्टा अंजीर न लें, आपका महंगे से महंगा जो अंजीर आए वो लें। आपने अंजीर बाजार जाना है, वहां से आप 1 पाव या आधा किलो यानी 500 ग्राम अंजीर लेके घर ला लें और घर में महफूज रख लीजिए। अब आपने इनको एक अंजीर लेनी है असर के टाइम, यानी तकरीबन 4, 4:30 बजे आपने 1 कप पानी में इसको भिगो देना है। उसके बाद अगली सुबह यानी फजर के टाइम सूरज निकलने से पहले, सूरज नहीं निकलना चाहिए उससे पहले आपने, यानी फजर की नमाज पढ़ने के बाद, जिनको ये मसला है और मेरे दिगर भाई जो ये फजर का वक्त नहीं जानते, तो ये याद रखें कि दिन यानी सूरज निकलने से पहले उसको अंजीर को खा लें और ऊपर से वो जो पानी है वो पी लें, तो इंशाल्लाह जो उनका पखाना के रास्ते यानी लेटरिंग के जरिए खून आ रहा है या बाद में आ रहा है या पहले आ रहा है, तो वो मेरे अल्लाह ने चाहा तो बंद हो जाएगा। बस शर्त ये है कि पाइल्स यानी बवासीर का वो खून न हो। तो दोस्तों ये मेरा आज का नुस्खा है, मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।